to all of you. This is Neha, your course teacher, which is Introductory agro meteorology and Climate Change, and your course number is A Mat five Okay. So I hope you all are doing very well and uh, जो भी problem या query है आप मुझे question करके पूछ सकते हैं ठीक है जो भी जिस भी topic से आपको problem है या doubts हैं मैं clear करने की कोशिश करूँगी सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा क्या था कंडेंसेशन फॉर्म पढ़ा था जिसमें हमने कंडेंसेशन के मोस्टली जो है ग्राउंड सरफेस पे या ग्राउंड लेवल पे हमें जो फॉर्म्स दिखाई देते हैं विच इज़ ड्यू फॉग फ्रॉस्ट है ना हमने ये देखा था मिस्ट और स्मोक भी देखा था साथ में ओके और फेवरेबल कंडीशन उसके फॉर्मेशन फॉर्म uh, होने के फॉग के एंड फ्रॉस्ट के ये भी हमने देख देखा देन आफ्टर हमने देखा कि एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट है या क्रॉप प्लांट पे दैट पर्टिकुलर कंडेंसेशन ने क्या इफेक्ट पहुँचाता है ठीक है सो अवर टूडेज टॉपिक इज कंडेंसेशन इन टोपो स्प्रेयर इट इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, सो टोपो स्प्रेयर में जो भी दिखाई पड़ रहा है विच इज क्लाउड बेसिकली क्लाउड भी कंडनसेशन का एक फॉर्म है हम फॉर्म्स ऑफ कंडेशन कह सकते हैं क्लाउड को ठीक है so, सो हम आज वो देखेंगे ठीक है ये हमारे कंडेंसेशन का लास्ट फॉर्म है जैसे कंडेंसेशन में हमने ड्यू फॉग मिस्ट स्मोक ये सारी चीज़ें हमने देखी आज हम लास्ट सेक्शन देखते हैं विच इज़ क्लाउड सो देखते हैं क्लाउड क्या है बेसिकली ठीक है सो क्लाउड इज मेड अप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल इन द एयर ठीक है सो वो भी यही है कि जो भी सेचुरेशन पॉइंट में जब पहुंच जाता है ठीक है टेम्परेचर इज गिवन टेम्परेचर में जब वो सेचूरेट होने लगता है क्या मॉइस्चर ठीक है मॉइस्चर जो है एक पर्टिकुलर जो भी टेम्परेचर uh, पे सेपरेट होता है और अलग अलग फॉर्म पे दिखता है हमें ठीक है समटाइम इट इज़ इट वुड बी सीन जस्ट लाइक वाटर ड्रॉपलेट्स विच इज ड्यू टाइम इट इज़ लाइक आइस क्रिस्टल विच इज सम टाइम इज लाइक धुंध स्मोक लाइक दैट ठीक है सो समटाइम्स इज लाइक ब्लैंड ऑफ सम काइंड ऑफ फॉग वी ऑल्सो नोन एज मिस्ड ठीक है सो इस टाइप का वो अलग अलग फॉर्म में हमें नज़र आता है ठीक है सो अब हम देखेंगे कि जो कंडेंसेशन है टोपोस्फेयर में तो वो कैसा है ठीक है वो किस टाइप का uh, है वो जो हमें नज़र आता है ओके सो यस So a cloud is made of water droplets or ice crystal in the air so cloud is defined as a visible aggregation of minute water droplets and or ice particles in the air usually above the ground level these particles have a diameter रेंजिंग फ्राम टू टू फाइव माइक्रॉन विच इज ऑल्सो नोन एज म्यू ठीक है जो सिम्बल हमने बनाया है उसको हम माइक्रॉन कहते हैं जिसको हम म्यू कहते हैं ठीक है सो क्लाउड so, का ये डेफिनेशन है विच इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द विजिबल एग्रीगेशन ऑफ द मिनट वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब एक मिनट में या पर मिनट में जो भी एग्रीगेशन हो रहा है वाटर ड्रॉपलेट्स का या आइस पार्टिकल्स का यूजुअली जो एयर में हो रहा है ठीक है तो जो भी पार्शल एयर है ठीक है ये पार्सल जो भी एयर है उसमें जो एग्रीगेशन हो रहा है वाटर ड्रॉपलेट्स का मॉइस्चर का और आइस पार्टिकल्स का ठीक है जो हमें ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है अपलिफ्टिंग दिखाई दे रहा है ठीक है ग्राउंड लेवल से ऊपर दिखाई दे रहा है जिसका डायमीटर जो है जिस कंडेंसेशन के फॉर्म का डायमेशन इज अबाउट सम ट्वेंटी टू फिफ्टी माइक्रॉन ठीक है ट्वेंटी टू फी फिफ्टी म्यू जिसका डायमीटर है विच इज़ नोन एज क्लाउड ठीक है तो क्लाउड हमें बेसिकली वही है कि जो भी एग्रीगेशन हो रहा है वाटर ड्रॉपलेट्स का वाटर ड्रॉपलेट्स का ड्रॉपलेट्स uh, का या आइस पार्टिकल्स का आपस में एक गिवन टेम्परेचर में ठीक है सो वो जो है टोपोस्फियर से जो हमें ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रहा है ठीक है जो हमें विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्लाउड्स और विच इज़ ऑल्सो द फॉर्म्स ऑफ कंडेशन ठीक है सो एंड दीज फॉर्म्स ऑफ कंडन हैव दैट पर्टिकुलर डायमीटर विच इज अबाउट सम ट्वेंटी टू फिफ्टी माइक्रोन ठीक है एंड दैट इज नोन एज क्लाउड तो ये क्लाउड है पूरी तरीके से ठीक है तो सेम घटनाएं जो हैं सेम प्रोसेस हो रहा है बस प्रोसेस में कुछ कीवर्ड्स वर्ड्स हैं जो मैं हमेशा से कहते आ रही हूँ कुछ कीवर्ड्स वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कहीं पे ड्राई एयर मॉइस्ट कहीं पे मॉइस्ट एयर से सेचुरेशन पॉइंट पे पहुँच रहा है कहीं पे ड्राई एयर से वो टेम्परेचर पे सेचुरेशन पॉइंट कहीं पे एक पर मिनट में वो कितना एग्रीगेशन हो रहा है ठीक है तो इन सब का की वर्ड आपको याद करना है प्रोसेस तो सारे कंडेंसेशन के सेम ही होंगे ठीक है जो कि ये अलग अलग फॉर्म है कंडेंसेशन का तो सारे प्रोसेस अलग अलग हो रहे हैं इस वजह से ये दिखाई हमें अलग अलग पड़ रहा है ठीक है कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में दिखाई पड़ रहा है कुछ आइस क्रिस्टल्स के रूप में दिखाई पड़ रहा है कुछ हमें धुंध स्मोक के रूप में दिखाई पड़ रहा है ठीक है तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि जो की है वो आपको ध्यान में रखना है बस और ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें ठीक है सो माइक्रोमीटर इज वन मिलियन ऑफ अ मीटर इच्स क्लाउड पार्टिकल्स फॉर्म ऑन अ टीनी सेंटर ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल कॉल्ड एज कंडेशन न्यूक्लियस ओके सो माइक्रोमीटर और मिलियन जो भी ऊपर मीटर अबव दी ग्राउंड सरफेस तो क्लाउड जो है वो हमें फॉर्म फा, होते हैं ठीक है वो भी क्या है न्यूक्लियस कंडेंसेशन न्यूक्लियस हम न्यूक्लिया कहते हैं जैसे हम ठीक है सो द डायमीटर ऑफ दिस न्यूक्लियस रेंज फ्रॉम जीरो पॉइंट वन टू वन माइक्रॉन ठीक है तो जो ये भी कंडेंसेशन का जो भी न्यूक्लियस होता है ठीक है न्यूक्लियस मतलब आप बोल सकते हैं हिंदी में नाभिक जो होता है या नाभिक को हम कैसे डिनोट कर सेंटर जो होता है उसका ठीक है जो उसका सेंटर होता है वो अबाउट जीरो टू जीरो पॉइंट वन टू वन माइक्रॉन होता है सो अस मूव So, clouds are the most important form of suspended water droplet caused by condensation. Okay? The clouds are produced when the air above the ground is cooled below its dew point. सो सेम प्रोसेस हो रहा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में कोई भी वाटर uh, ड्रॉपलेट्स है वो एयर से ब्लेंड अप हो रहा है और uh, एक गिवन टेम्परेचर पे वो ड्यू सेचूरेट हो जा रहा है ठीक है और सेचूरेशन होने की वजह से वो अलग अलग फॉर्म में uh, दिखा दिखाई दे रहा है हमें दैट वुड बी द फॉर्म्स ऑफ कंडनशेसन ठीक है सो डिपेंड करता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स uh, जो है वो एक पर्टिकुलर ड्यू पॉइंट पे पहुंच रहा है या मॉइस्ट एयर है ठीक है वो किसी एयर पार्सल के ज़रिए में आ रहा है और टेम्परेचर में गर्म हो रहा है या किसी ठंडी सतह से टकरा रहा है और अलग फॉर्म में यू you नो know, जैसे फ्रॉस्ट होता है सो ये सारी चीज़ों का की फैक्टर ये आपको याद रखना है मैं बार बार कह रही हूँ कि सब कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको एक लिस्ट बना लेना है इसमें ये होता है दिस इज़ डिगुल दिस इज ड्रॉ क्योंकि प्रोसेस तो सेम ही है सेचुरेशन पॉइंट में पहुंचने के बाद ही अलग अलग फॉर्म पे हमें दिखाई पड़ पड़ रहा है और जिसको हम कंडेंसेशन फॉर्म कह रहे हैं ठीक so, है सो ये चीज़ है सो इफ द मूवमेंट ऑफ द एयर इज जनरली हॉरीजोंटल ठीक है सो ऑब्वियस है कि जो हॉरिजोनटल मूवमेंट ऑफ द एयर इज ऑल्सो नोन एज विंड ठीक है जो भी हॉरीजोंटल एयर हमारी जो बह रही है हवाएं ठीक है वही विंड है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है एयर का हमने है पहले से ही हमने ऑलरेडी विंड में पढ़ा है कि व्हाट इज विंड ठीक है सो द मूवमेंट ऑफ द एयर इज जनरली हॉरिजॉन्टल द क्लाउड्स विल बी फॉर्मड इन लेयर एंड आर कॉल्ड स्ट्रेटी क्लाउड्स ठीक है तो जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का तो क्लाउड जो है वो अलग अलग लेयर में फॉर्म होता है isn't it? तो देखिए मतलब यूनिफॉर्मली जब आप स्काई को देखते हैं व्हाट इज़ स्काई स्काई इज़ आल्सो द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन ठीक है जो हमें दिखाई पड़ रहा है बादल ऊपर ब्लू स्काई ब्लू दिखाई पड़ रहा है वाइट दिखाई पड़ रहा है समटाइम इज लुक लाइक ग्रेइश कलर एंड समटाइम इज लुक लाइक वेरी ब्लैक वेरी डार्क ब्लैक ठीक है तो दीज आर ऑल द लेयर ऑफ क्लाउड्स ठीक है विच आर फॉर्म द यू नो डिफरेंट मूवमेंट ऑफ़ द ईयर डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ द इयर समटाइम हॉरिजोंटल समटाइम वर्टिकल ओके सो ये सारी चीज़ें हैं तो जब हॉरिज़ॉन्टल एयर का मूवमेंट होता है ठीक है क्लाउड में सॉरी हॉरीजोंटल मूवमेंट होता है एटमोस्फियर में ठीक है तब इस टाइप का जो क्लाउड है वो लेयर में फॉर्म होता है एंड दैट इज नोन एज स्ट्रेटरी फॉर्म क्लाउड कहते हैं जिसको तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये आप हाईलाइट करेंगे ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिस स्ट्रेट्री फॉर्म क्लाउड क्या होता है तो आप बोल सकते हैं कि इफ द मूवमेंट ऑफ द एयर इज जनरली हॉरिजोंटल द क्लाउड्स विल बी फॉर्म इन लेयर एंड और कॉल्ड स्ट्रेटी फॉर्म ठीक है सो टेस्ट में भी कभी मैं पूछ लूंगी कि भाई स्ट्रेटी फॉर्म तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो सिलेबस में नहीं है, मैडम ने पढ़ाए नहीं मैंने बहुत सारे की फैक्टर आपको पढ़ाए हुए हैं जो टर्मिनोलॉजी में यूज होते हैं और जो एग्ज़ाम्स में भी ऐसे पूछ लिए जाते हैं फिर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं हमेशा कि ये तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आया है टफ एग्जाम है ऐसा नहीं होता है बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम उसी सिलेबस में बहुत सारे न्यू वर्ड्स लर्न करते हैं एक? बहुत सारे न्यू वर्ड्स हम सीखते हैं तो वो सारी चीज़ें भी हमारे सिलेबस के अंडर द सिलेबस वो जो हैं आते हैं ओके सो इफ द मूवमेंट इज वर्टिकल देन दी देयर आर डेजिग्नेटेड एज क्यूमिली फॉर्म ठीक है तो जब वर्टिकल मूवमेंट हो एयर का ठीक है तो जब क्लाउड फॉर्मेशन हो दैट इज नोन एज क्यूमिली फॉर्म एंड जब हॉरिजोटल मूवमेंट हो दैट इज नोन एज स्ट्रेटी फॉर्म क्लाउड्स ओके तो दीज आर दिज बोथ बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो वी नीड टू रिमेंबर दिस एंड आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि क्लाउड क्या है बेसिकली क्लाउड जो है वो भी एक कंडेंशेशन का फॉर्म है जब वाटर ड्रॉपलेट्स होता है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में सेचूरेट हो जाता है ठीक है वाटर ड्रॉपलेट्स होता है या समटाइम आइस क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं ठीक है ठीके? तो वो क्या होता है ग्राउंड सर्फेस से ऊपर वो फॉर्म जो है वो डेंस फॉर्म में क्रिएट हो जाता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्लाउड ओके तो लेटस मूव सो सम दे आर सम स्टेप्स ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन ठीक है तो किस टाइप से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है तो ये स्टेप आप याद रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्लाउड कैसे बन रहा है ठीक है सो वार्म एयर राइजेज एंड कूल ठीक है सो जो ग्राउंड सरफेस से लैंड से जो है गर्म हवाएं जो है वो ऊपर की ओर होती है उठती है अपलिफ्टिंग होती है एयर्स की सो वी कैन से दैट वॉम एयर अपलिफ्ट और दाइज द अपर सरफेस एंड कूल्स डाउन विच इज एडिया कूलिंग वी कैन से दैट टाइम दैट पॉइंट द एयर इज सेचूरेटेड फ्रॉम दैट गिवन टेम्परेचर विच इज नोन एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ओके सो वाटर वेपर इज एडेड टू द एयर दैन एडेड द वाटर वेपर ठीक है जब कूल cool डाउन हो जाती है तो वाटर वेपर के साथ ब्लैंड हो जाती है ठीक है एड मतलब ब्लैंड होती मिक्सअप हो जाता है सो एयर इवेंचुअली बिकम्स सैचुरेटेड ठीक है सेचूरेटेड कैसे हुआ क्योंकि एक गिवन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में वो पहुंच गई विच इज एडियाबैटिक कूलिंग हो गई उसकी ठीक है सो वाटर वेपर कंडेंस ऑन स्मोक डस्ट सॉल्ट एंड अदर स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर ठीक है सो ये कंडेंसेशन न्यूक्लियाई इसी को कहते हैं कि हमारे जो भी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जो है, है ना हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी सारी चीज़ें हैं स्मोक प्रेजेंट है डस्ट पार्टिकल्स हैं बहुत से अलग अलग एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स है साल्ट के के पार्टिकल्स हैं ठीक है ठीके? तो ये सारे स्मॉल पार्टिकल्स से वो क्या हो जाता है सस्पेंड हो जाता है ठीक है विच इज़ सस्पेंडेड बाई दैट पार्टिकल्स एंड एयर इन एयर में और क्या करते हैं फॉर्म हो जाता है ठीक है तो कंडेंसेशन फॉर्म हो जाता है तो सबका एक न्यूक्लियस बन जाता है विच इज़ यू नो समाइम विच जीरो रेंजेस फ्रॉम जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट वन माइक्रॉन सॉरी जीरो पॉइंट वन टू वन माइक्रॉन ठीक है तो इस डायमीटर का जो फॉर्म होता है लिफ्टिंग राउंड सरफेस से ऊपर की ओर ठीक है सो दैट इज नोन एज वॉट दैट इज़ नोन एज कंडेशन फॉर्म्स ऑफ कंडन विच इज क्लाउड ठीक है सो मिलियंस ऑफ द ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड वाटर कलेक्टेड टू द फॉर्म ऑफ क्लाउड तो लिक्विड वाटर जो है वो वाटर uh, ड्रॉपलेट जो हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं आपस में सेचूरेट हो जाते हैं एंडियाबैटिक कूलिंग हो जाती है उनकी ठीक है और एक न्यूक्लियाई फॉर्म कर लेते हैं इंडिविजुअली किसी डस्ट पार्टिकल से स्मोक से या बहुत सारे जो भी एलिमेंट uh, हैं ठीक है या जो भी हम कह सकते हैं कि जो भी आ, एलिमेंट हमारे वातावरण में मौजूद हैं ठीक है थीके? उनसे वो कूलिंग होके टकरा के कूल हो जाते हैं एडियाबेटिक कूलिंग में सेचूरेट हो जाते हैं और एक न्यूक्लियाई फॉर्म कर लेते हैं ठीक है तो वो न्यूक्लियाई फॉर्म कर लेते हैं जो अलग अलग पैचेज में हमें दिखाई देते हैं ठीक है तो दिस इज कॉल्ड द क्लाउड ओके सो लेट इस मूव सो हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म देखेंगे हम सो क्लाउड्स फॉर्म वाटर वेपर वे देन इट्स कूल एंड कंडेंस एज अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल वी कैन से ठीक है तो वाटर साइकिल जो भी चलता है गर्म हवाएं ऊपर उठती है ठीक है ऊपर उठने के बाद वो अपलिफ्ट होने के बाद क्या करती है ठंडी हवाओं से टकराती है जो ऊपर एटमॉस्फेयर में है ठंडी हवाओं से टकराने के बाद एरिया कूलिंग आ जाती है सेचूरेट हो जाते हैं टेम्परेचर में और वहाँ मौजूद अलग अलग एलिमेंट से टकरा के वो एक न्यूक्लियाई फॉर्म कर लेती है ठीक है और वही न्यूक्लियाइट एक लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर हमारे ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है जमा होने लगता है विच इज़ द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज क्लाउड्स ठीक है सो द रिजल्ट इज क्लाउड विच कंटेन बिलियन यूनियन बिलियन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ आइस क्रिस्टल्स टेकिंग डिफरेंट शेपेस एंड साइज डिपेंडिंग ऑन वेयर क्लाउड इज फॉर्म येस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो क्या होता है जो क्लाउड तो फॉर्मेशन होता है ऑब्वियस ठीक है पर क्या होता है जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या आइस क्रिस्टल है जिसके थ्रू भी क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है ठीक है वो हमेशा आप देखेंगे डिफरेंट साइज में होते हैं और शेप भी उनका अलग अलग होता है तो वो डिपेंड किसके डिपेंड क्या करता है कि किस तरीके से क्लाउड का फॉर्म form, फॉर्मेशन uh, हुआ है ठीक है सो सपोज हम जब भी स्काई में देखते हैं तो स्काई में हम जब देखते हैं तो हमें अलग अलग पैचेस में दिखाई देते हैं कभी कभी तो हमें लगता है कि किसी का यू नो आइज़ बन गए हैं और हम फॉर्म करने लगते हैं कि दिस इज़ आइज़ फॉर दम खन जिसमें कोई इंसान दिखाई देता है तो अलग, अलग अलग शेप और अलग अलग अल� स्ट्रक्चर दिखाई देता है एंड एट द सेम टाइम अलग अलग कलर्स भी हमें दिखाई देते हैं समटाइम इट्स लुक लाइक स्काई ब्लू ठीक है समटाइम ग्रेइश कलर में हमें दिखाई देते हैं कभी कभी बहुत ब्लैकिश कलर में दिखाई देते हैं ठीक है तो यूनिफॉर्मली कलर तो मैंने देखा नहीं है स्काई का कभी ठीक है अलग अलग पैचेस में फॉर्म हो जाता है तो ये जो है ये जो हमें दिखाई पड़ता है कंडेंसेशन का वो डिपेंड करता है कि जो क्लाउड का फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है ठीक है क्योंकि क्लाउड का फॉर्मेशन अलग अलग एलिमेंट से क्या होता है टकराने तक, से होता है न्यूक्लियाई फॉर्म होने से होता है तो डिपेंड करता है कि वो किस क्लाउड किस एलिमेंट से ब्लेंड हुआ है या टकराया है और उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है ठीक है इस वजह से कलर चेंजेस आ जाते हैं तो हर कलर चेंजेस जो हमें हम देखते हैं ठीक है जो तो डिज़ाइंस बने होते हैं अलग अलग तरीके से आसमान में वो हम देखते हैं वो अलग अलग क्लाउड है सारे क्लाउड्स का एक क्लासिफिकेशन है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ठीक है और सारे क्लाउड्स का एक पर्टिकुलर नाम है कोई भी क्लाउड्स बेनाम नहीं है है ना तो जो हम लोग ये देखते हैं स्काई में कि कुछ पैचेस बन जाते हैं कभी फ्लावर्स के जैसे दिखाई पड़ता है कभी कुछ फ्रूट के स्ट्रक्चर बन जाते हैं कभी कोई एनिमल टाइप दिखाई देता है कभी वर्टिकली रेनबो टाइप वाइट पैचेस दिखाई पड़ते हैं तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ़ यू नो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स फॉर्मेशन सो अलग अलग क्लासीफाई किया गया है क्लाउड फॉर्मेशन को जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ठीक है द मॉइस्चर इन द क्लाउड विल कम बैक टू द अर्थ एज रेन और सम अदर टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन ठीक है तो जो भी मॉइस्चर उसमें होल्ड करके रखा रहता है क्लाउज क्लाउड्स ठीक है जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स को वो होल्ड करके रखता है फिर से टेम्परेचर चेंज होता है और वो क्या होता है रेन के रूप में हम लोग को दिखाई पड़ता है रेनिंग होती है ठीक है तो दिस इज ऑल्सो नन एज वाटर साइकिल जैसे हमने बोला कि वाटर साइकिल है तो जो रेनिंग होती है विच इज़ द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन ठीक है जो हम अपने आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे तो वॉट इज प्रेसिपिटेशन एंड हाउ प्रेसिपिटेशन फॉर्म्स ठीक है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सो पार्ट ऑफ द अर्थ दैट हैव मोर वाटर हैव मोर क्लाउड्स बिकॉज देयर इज़ मोर वाटर वेपर ठीक है तो वाटर वेपर डिपेंड करता है कि जितना जितना ज़्यादा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में रहेगा उतने ही ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा अब देखेंगे जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है बारिश के टाइम में मीन्स क्या है वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा वॉम एयर्स हैं सो तो जब वही वार्म एयर्स राइज अप होता है ठीक है ऊपर की और अपलिफ्टिंग होती है उसकी ठीक है और जब अपलिफ्टिंग होती है तो ऑबियसली ऊपर के वातावरण में जाके एटमॉस्फेयर में वो जाके कूल cool एयर से टकराते हैं ठीक है और बारिश होता है क्लाउड फॉर्म होता है आप देखेंगे हमें सडन साफ स्काई दिखाई होती है और जैसे ही उमस या ह्यूमिडिटी वाला आ, जो मौसम है वो हमें जब महसूस होता है फील हम करते हैं तो हमेशा बारिश हो जाती है तो दैट इज़ ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ द कंडेंसेशन ठीक है एंड प्रेसिपिटेशन ऑल्सो क्योंकि जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है वो कंडेंसेशन का फॉर्म है एंड जो रेनिंग होती है ठीक है वो जो है वो प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है ओके सो प्लेसेस लाइक द डेजर्ट डोंट यूजुअली हैव अ लॉट ऑफ क्लाउड्स ठीक है तो जो आप देखेंगे कि नॉर्मली जो डेजर्ट राजस्थान टाइप का जो जगह है वहाँ पर कम बारिश होती है तो क्योंकि वहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन काफ़ी कम होता है क्योंकि ड्राई एयर चलती है वहाँ पर ठीक है ड्राई एयर चलने की वजह से वाटर वेपर और मॉइस्ट एयर नहीं होती है सो so इस वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता और जब क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता तो फिर रेनिंग नहीं होती क्योंकि ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन होगा दैट इज़ अ कंडेंसेशन होगा उसके बाद प्रेसिपिटेशन फॉर्म्स में वो चेंज होगा और रेनिंग होगी बारिश होगी ठीक है इस वजह से जो राजस्थान है वो ड्राई एरिया में आता है ओके okay? सो so, आज के लिए बस इतना ही आई होप यू ऑल गॉट द सेंस एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्लाउड्स वॉट काइंड ऑफ टाइप्स हम देखेंगे क्लाउड्स के ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू वेरी मच बी सेफ टेक केयर थैंक यू